ये रही विराट कोहली की जीरो से हीरो बनने की कहानी। ऐसी दिलचस्प कहानी पहले कभी नहीं पड़ी होगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली की ऐसी दिलचस्प कहानी के बारे में। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान का जन्म 5 नवंबर 1988 को नई दिल्ली भारत में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। विराट के पिता प्रेम कोहली एक वकील और माँ एक गृहिणी थी। उनका एक बड़ा भाई विकास कोहली और एक बड़ी बहन भी है। विराट को बचपन से क्रिकेट के प्रति एक विशेष प्रकार का प्रेम था और उन्होंने बहुत कम उम्र में ही खेल खेलना शुरू कर दिया था। दोनों उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा विविध भारतीय पब्लिक स्कूल से की और नई दिल्ली में उनकी परवरिश हुई। वर्ष 1998 में 9 साल की उम्र में विराट के पिता ने विराट की क्षमता को पहचानने के बाद विराट को पश्चिम दिल्ली क्रिकेट अकादमी में शामिल करा दिया। उन्हें राजकुमार शर्मा के मार्गदर्शन में प्रशिक्षित किया गया। उन्हें क्रिकेट के खेल के मैदान के लिए बेहतर विकल्प प्रदान करने के लिए उन्हें स्कूल को पश्चिम बिहार के स्वीर कॉन्वेंट में स्थानांतरित कर दिया गया। वर्ष 2006 में विराट कोहली ने अपने पिता को खो दिया जो मास्तिक स्ट्रोक के कारण लगभग एक महीने से बिस्तर पर थे। परिवार को कठिन समय का सामना करना पड़ा और यहां तक कि किराए के घर में रहते थे। अक्टूबर 2002 में विराट ने अंडर 15 टीम के तहत दिल्ली के लिए खेला और जल्द ही एक ही वर्ष से सबसे अधिक रन बनाए। वर्ष 2006 में अंडर 15 मैचों में नाम कमाने के बाद विराट को भारत के अंडर 19 क्रिकेट टीम में चुना गया और इंग्लैंड के दौरे पर गए। 3 दिवसीय वनडे में उन्होंने 105 रन की औसत से रन बनाए और विजेता के रूप में वापस आए। उसी उत्साह के साथ उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अंडर 19 क्रिकेट टीम में खेला और एक बार फिर से अपनी गुणवत्ता के बल्लेबाजी को दिखाकर स्थायी स्थिरता बन गई। अप्रैल 2007 में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय T20 चैंपियनशिप में पदार्पण किया और अपनी टीम के लिए सर्वोच्च स्कोर बने। आगामी वर्ष 2008 में उन्हें भारत की अंडर 19 टीम का कप्तान बनाया गया। इस टीम के साथ वह मलेशिया में 19 साल के से कम उम्र के विश्व कप खेलने के लिए गया और विजयी होकर घर लौटा। जब वरिंदर सहवाग और सचिन दोनों चोटिल और अनुपलब्ध थे तब कोहली की ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में बुलाया गया। उनकी प्रतिभा के कारण टीम ने काफी अच्छा स्कोर के श्रीलंका के खिलाफ श्रृंखला जीती। जब MS धोनी ने T20 कप्तानी और एक दिवसीय कप्तानी छोड़ दी तो विराट कोहली को तीनों प्रारूपों में भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान चुना गया। अब वह लंबे समय से बड़ी सफलता हासिल कर रहे हैं और इंडियन प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लिए खेले और जल्द ही 2013 में टीम के कप्तान के रूप में चुने गए। विराट कोहली 2013 से बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा को डेट कर रहे थे और इसी जोड़ी का नाम विरुष्का रखा गया था। कुछ समय तक अलग रहने के बाद इस जोड़े ने 11 दिसंबर 2017 को इटली के फ्लोरेंस में निजी तौर पर शादी कर ली।